हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। 2 दिन से ब्लॉग नहीं बन पा रहा था, आज थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक था इसलिए नहीं बना पा रहे थे, और आज थोड़ा ठीक हुए हैं तो ट्राई कर रहे हैं थोड़ा बनाने का। हाथ में पकड़ के उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, कोई रहता है तो सही रहता है, कोई नहीं, कोई नहीं है तो हम ही है, बाबू भी अपना। नहीं, उसको नहीं कर बेटा, परेशान करके सबको रखा रहता है, सब छूना छाना। अब खड़ा कर दिए हैं, खड़ा होने लगा है, खड़ा तो होता ही है, तो अब थोड़ा चलने लगा है, तो उसकी वजह से जाके सब सामान हटाना, गिराना पड़ाना सब शुरू कर दिया है बिल्कुल। यहाँ पे तो बारिश ही नहीं हो रही है, भगवान जी पता नहीं कहाँ रास्ता भूल गए हैं। बारिश का नामो निशान नहीं है कि बारिश हो भी कि कहाँ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। जबकि ये गाजीपुर में हो भी रहा था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और जगह तो बाढ़ आ रहा है, गंगा जी का पानी बढ़ रहा है, लेकिन यूपी में हमको तो नहीं लगता है अभी कहीं और बारिश हो रहा होगा। कहीं हो भी रहा होगा तो बहुत कम, यूपी में तो नहीं है हो रहा है। सिर्फ एक दिन हुआ है खूब भयंकर, जब लगभग 24 जून को, उसी दिन जो हुआ था उसी दिन काफ़ी हुआ था, उसके बाद से बस रिमझिम, बस इतने से ही सब काम खत्म हो जा रहा है। इतना उमस है, इतनी गर्मी है, इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं रही थी, बाढ़ आने का हो रहता था, इस बार कहीं कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या करने में लगा पड़ा है, क्या कर रहे हो बेटा? वो निकलेगा, गिर जाएगा, मशीन है, गिर जाएगी। तुम देख लोगे तो यहाँ पे तुम आओगे। चले इधर आओ, दिखी दिखी इधर आओ। अच्छा ये मोबाइल ले लो, ये देखो कौन है, ये देखो तो। बहुत बदमाश है, स्लीपर को पैसे इधर उधर करने में लगा है। बारिश तो जो हो रही थी हल्की फुल्की, उसकी वजह से तो उधर जो पौधा है साइड में उसमें तो पानी पहुंच जाता है, लेकिन इधर नहीं पहुंच पाता है क्योंकि ये बिल्कुल किनारे पर जाता है, उधर वाला चला जाता है, ये सब थोड़ा सूख रहा है। ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, समझ में नहीं आता है। ये सब का गमला चाहे सूख गया है, काफ़ी पुराने पुराने सब पौधे हैं। ये पौधा तो समझ में नहीं आता है, इसको पानी चाहता है कि नहीं चाहता है। पानी पड़ेगा तो भी उसका कलर लाइट ग्रीन है, और नहीं पड़ेगा तो भी उसका तो समझ में नहीं आता ये पौधा है कौन सा है। एक होता है ऑक्सीजन वाला जो ग्रीन प्लांट जो घर में लगता है, अब ये वही शो पीस प्लांट है कि कौन सा है ये नहीं समझ में आता है इसके बारे में। बस इस पानी पिला जाता है, कभी सूखता है कभी नहीं सूखता है, समझ में नहीं आता है। इन सबों में तो पानी है, इस समय कुछ ज़्यादा ही सब पौधा खरपतवार हो गया है, साफ करना है। अब देखिए जिस दिन इनको टाइम मिलेगा उनको पौधों की छटाई होगी। इन सबों में तो पानी है, इन सबों में डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना ज़्यादा पानी से भी पौधा ख़राब होने लगता है। ये समय भी काई लग रहा है, जो रिमझिम में थोड़ी थोड़ी ये भी पुराना हो गया है, जबकि पुराना होने की वजह से मुझे लग रहा है या तो हो सकता है गर्मी के टाइम में, डेली तो पानी डालते ही थे गर्मी में भी, लेकिन किसी किसी पौधे को लग रहा है लू लग गया है। ये हमारी तुलसी जी, इनका डेली पूजा होता है। ये सब काम करना ना बहुत अच्छा लगता है, पौधों को पानी दे रहे हैं ये सब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा
मेरे पापा कहते हैं कि घर में जो वृक्ष होते हैं वो हम लोग के क्या बोलते हैं हम लोग के वो होते हैं पूर्वज, उनको हमेशा पानी देना चाहिए, उनको कभी सुखवाना नहीं चाहिए। इसलिए हमको ऐसे भी घर पे रहते थे तो भी हमको अच्छा लगता था। मैं कहना उसके बाद भी यहाँ पे तो मानी जो इतना है, वहाँ पे तो इतना नहीं था, वहाँ पे तो थोड़ा मोड़ा था, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सब करते हैं।